क्या साइन होते हैं कि जब प्लेयर को लगे कि हाँ मुझे अब ऐसा लग रहा है अब छोड़ देना चाहिए। शेरीपा के साथ कॉमेंट्री कर रहे थे हम सिंधू पाजी के साथ, ओके तो शेरीपा लगातार 5 बॉल बोल गए, एक बॉल मेरे पास आ गई आखिरी की, तो आखिरी बॉल चौका लग गया। मैंने कहा कि शेरीपा, सूर्य कुमार यादव ने फ्रंट फुट पे जाके ऐसे फेस खोल दिया, उसने फेस खोल के भाई ने वहां छक्का मार दिया। मैं कॉमेंट्री कर रहा था, मेरे मुंह से पहली लाइन निकली वारी वारी जाऊं, उसके बाद जो मैंने बोला वो भगवान ने मेरी उससे मैं मदद। तो सर इसके पीछे की स्टोरी क्या रहती है, आप प्रिपेयर रहते हैं उतना खुद से प्रिपेयर करते हैं या कि बैकएंड पे कोई टीम होती है जो आपको? मेरा ये मानना है कि जब भी मैं क्रिकेट कमेंट्री के लिए जाता हूं, उस दिन अगर एक नया वन लाइनर चौके पे और एक नया वन लाइनर छक्के पे मैं नहीं लगाऊंगा, कोई नहीं जिसमें कमी नहीं, आसमान के पास भी खुद की जमीन है। अब एक दिन मैंने लाइन लिखी रात को 2 बजे, तो ये डिसाइडेड था कमेंट्री करनी है। 4 साल 5 साल लगेंगे फिर को, तब तो सोचो तू कमेंटेटर बन सकता है, ये नहीं और कोई कर सकता। और जो उन्होंने मुझे डीमोटिवेट करके भगा दिया। सिक्योरिटी क्रिकेट में होती है, लाइक अगर अब रिंकू सिंह सेलेक्ट नहीं हुए थे, रिंकू सिंह के लिए कोई ऐसा कमेंटेटर नहीं था जिसने कहा हो कि रिंकू सिंह नहीं जाना चाहिए T20 वर्ल्ड कप की टीम में, रिंकू सिंह टीम का हिस्सा नहीं थे। क्या टैलेंट इतना ज्यादा है, हालांकि टैलेंटेड तो वो भी काफी है, उनको इतना चांस कम क्यों मिलता है, या वो कभी खेल पाएंगे लाइक रेगुलर? और संजू सैमसन को मौके मिले हैं, ऐसा नहीं संजू सैमसन को मौके नहीं मिले। सर अभी आप फ्यूचर बैटिंग सुपरस्टार किसको देख रहे हैं, शुभमन गिल, यशस्वी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन? सबसे बड़ा स्टार जो बनेगा मेरे नजरिए से वो बनेगा, आई थिंक आप बेहतर आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का, कि व्हाट इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इन क्रिकेट। किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, मैं जाने कब रोल काट दे ऊपर वाले उसमें। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरे सामने जो शख्सियत है उनके अल्फाज और अंदाज ने क्रिकेट कमेंट्री को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। वो सिर्फ एक कमेंटेटर नहीं, फॉर्मर रणजी प्लेयर, सिंगर, शायर, मोटिवेशनल स्पीकर, एंड दैट्स नॉट ऑल, ही इज ऑल्सो एन अकम्प्लिश्ड टीवी एंकर, हैविंग होस्टेड ओवर 3000 शोज अक्रॉस रिनाउंड चैनल्स लाइक स्टार स्पोर्ट्स, पैन क्रिकेट एंड सोनी 6। एज अ सिंगर एंड लिरिसिस्ट, हिज एल्बम इंडिया है मेरी जान फीचर्ड एन इम्प्रेसिव 42 सेलिब्रिटीज इन द वीडियो। आज मैं उनका वेलकम उन्हीं के अंदाज में करना चाहूंगा। जहां मैदान में हर दिल धड़कता है, वहां उनकी आवाज से खेल महकता है। शब्दों में जज्बा लाने वाले, कमेंट्री में शायरी का जादू चलाने वाले, खेल का जुनून दिलों में जगाने वाले, क्रिकेट की दुनिया में गीतों को बहाने वाले, गेंद की रफ्तार, बल्ले की ताकत, क्रिकेट का खेल और पदमजीत शेरावत। वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। अगर शायरी में सर कोई गुस्ताखी होगी तो माफ कर देना बिल्कुल। नहीं नहीं, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करो ये गलत बात है, आपकी कोशिश बेमिसाल थी। थैंक यू so पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो आपने तलफ्फुज आपका जो था, जो आपका अंदाज है आपके बोलने का, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के बाद तो मैं तुम्हें इनवॉइस भी नहीं भेज रहा हूँ शो की। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है यार? बहुत जबरदस्त। कितने हो गए शोज सर? 30 हमारे हो चुके हैं, तो अभी चल रहा धीरे धीरे 26 हमारे पोस्ट हो चुके हैं। 31वें का शगन मेरा डाल रहे हो? बिल्कुल। बढ़िया, बिल्कुल। कोई नहीं जिसमें कमी नहीं, आसमान के पास भी खुद की जमीन है। सर ये आप ही की कही हुई एक लाइन है जो मैं दोहरा रहा हूँ, वैसी हजारों वन लाइनर्स शायरीज जो इंस्टेंट लाइव कमेंट्री के टाइम पे आप निकलती हैं, जो आप बोलते हो, तो ऐसी हजारों शायरीज वन लाइनर्स हमारे फैंस के दिलों में ना हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो सर इसके पीछे की स्टोरी क्या रहती है, आप प्रिपेयर रहते हैं उतना खुद से प्रिपेयर करते हैं या कि बैकएंड पे कोई टीम होती है जो आपको तैयार कराती है इस चीज के लिए? बैकएंड पे कोई टीम आपको तैयार नहीं कराती, कोई टीम आपको वन लाइनर्स लिख के नहीं देती है, क्योंकि ये जो कला है ये या तो ऊपर वाले ने आपको दी है या आपको नहीं दी है। अब अगर उसने वो आपको कला दी है तो उसके साथ आप क्या न्याय कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जब भी मैं क्रिकेट कमेंट्री के लिए जाता हूं, उस दिन अगर एक नया वन लाइनर चौके पे और एक नया वन लाइनर छक्के पे मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, मेरा ये मानना है। तो जो भी है भगवान का तो पहले शुक्रिया अदा कर दूंगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बख्शा है इसलिए हम कर पा रहे हैं। मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है, किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, मैं जाने कब रोल काट दे ऊपर वाले हुजूर। तो पहली बात तो ये कि किसी बात का घमंड मत करो कि ये टैलेंट मेरे पास है और मैं लिखता, आप नहीं लिखते वो लिखवाता है आपसे, आप नहीं लिखते हो वो लिखते, कब वो शक्ति आपसे छीन ले, कब वो ताकत आपसे ले ले, आपको कुछ नहीं पता। तो मैं हमेशा कहता हूं यार कि
the deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. Appreciation सबको अच्छी लगती है, लेकिन gratitude कहाँ है? Gratitude is the biggest attitude. उसका शुक्र कर, नमन कर. मतलब look around and see what others are coping with. You and I will find ourselves very fortunate. AC कमरा है यार, बढ़िया माइक लगे हुए हैं, एक अच्छा होस्ट है, अच्छा शो है, गेस्ट भी अच्छा है, हाँ लोग प्यार दे रहे हैं. और क्या चाहिए? अंदर देखिए पंखा है, कमरे में बिजली है, बाहर उड़ रही तितली है, हम फिर भी क्रिप करते हैं. इफ यू स्लीप वेल एंड इफ यू वेक अप हेल्थी, यू आर ऑलरेडी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. उसके अलावा जो मिल जाए बोनस है. तो जो मैं लिख पाता हूं मेरा कोई क्रेडिट नहीं है उसमें. भगवान ने मेरे को ताकत दी है, मैं लिख सकता हूं और मैं उसका रोज थोड़ा बहुत सदुपयोग करने की कोशिश करता हूं. कोई बैकएंड टीम नहीं होती, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, ये खुद आपको लिखना होता है. लेकिन आपको लिख के अपने पास रखना है. सबसे बढ़िया चीज क्या है? टाइमिंग. अगर आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है तो आप पकड़े जाओगे, छक्का लगेगा. अब एक दिन मैंने लाइन लिखी रात को 2 बजे, नींद खुल गई, बैठे बैठे नींद खुली तो लिख लो. मैंने लिखा कि नाप सके तो नाप आसमां इस उड़ा का कद, वरना तू भी ताली बजा और छोड़ दे अपना पद. अब उस उड़ा को ऊंचा होना पड़ेगा, इतना ऊंचा होना पड़ेगा कि लोग कह रहे तो ऊपर जाके नीचे ही नहीं आ रहे, तब उसको आप मार सकते हो. मैं ऐसे छक्के का वेट कर रहा था कि इतनी ऊंची कोई गेंद मेरी कमेंट्री में जाए. और माइक भी आपके पास होना चाहिए. अगर सिद्धू पाजी आपके पास बैठ गए आपके पास माइक नहीं होना. आपको तो वो 5 बॉल बोलेंगे, आपको एक मिलनी, एक में आपको चाहिए. तो वो मोमेंट आपके पास होना भी चाहिए. अगर वो लम्हा आपके पास नहीं है, अगर टाइमिंग आपकी गलत है, आप एक फ्लैट 6 पे लाइन नहीं मार सकते. ठीक है, फ्लैट पे तो आप कुछ और कहोगे कि ओ व्हाट अ साउंड आउट ऑफ द ग्राउंड, या बल्ले के बीचों बीच, दर्शकों के बीचों बीच. वो टाइमिंग बहुत जरूरी. तो मुझे इस चीज के लिए, ये जो वन लाइनर मैंने आपको बताया, मुझे 3 दिन वेट करना पड़ा क्योंकि वो उतनी ऊंची गई नहीं मेरी कमेंट्री के द्वारा. तो जब आई, कुछ चीजें होती हैं जैसे इंस्टेंट बनती हैं. अब वो इंस्टेंट तब बनती है जब आप लगातार अपने दिमाग को उस तरीके से कंस्ट्रक्टिव उसमें रखते हो. ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने फ्रंट फुट पे जाके ऐसे फेस खोल दिया कवर ड्राइव करने वाली बॉल को, फेस खोल के थर्ड मैन पे छक्का. अब छोटा गेंद को तो कट मार के थर्ड मैन पे हम मार सकते हो, ऊपर फेंकी गई ड्राइविंग लेंथ वाली गेंद थर्ड मैन पे नहीं छक्का जा सकते. उसने फेस खोल के भाई ने वहां छक्का मार दिया. मैं कॉमेंट्री कर रहा था, मेरे मुंह से पहली लाइन लिख ली वारी वारी जाऊं. अब वारी वारी जाऊं तो निकल गया. उसके बाद जो मैंने बोला वो भगवान ने मेरी उससे मदद की. मैंने बोला वारी वारी जाऊं, इस शॉट के लिए शब्द कहां से लाऊं? और मैं समझ गया कि इसके बाद मैं कुछ भी बोलूंगा वो फीका लगेगा. वो कह के मैंने माइक रख दिया. वो सबसे ज्यादा वायरल वो हुई थी. तो मकसद यही है कि आप थोड़ा रोज बेटर हो, थोड़ा नयापन लाइए. ऊपर वाला आपकी तभी मदद करेगा जब आप स्वयं की मदद कर रहे हैं. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. आप एक जिराफ को नदी तक ले तो जा सकते हैं, लेकिन गर्दन तो उसको हिला के झुका के पानी तो खुद पीना पड़ेगा ना. है ना. अब ये बंदूक आपके हाथ में, ट्रिगर दबेगा ही नहीं, गोली चलेगी कैसे, लगेगी कहां, मिलेगा क्या? तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी. ये तो मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है, रिपीट मोड इज द ओनली सक्सेस कोड. लोग पूछते हैं सफलता का राज क्या है? कोई राजवाज नहीं है, जितने घिसाओगे उतना पाओगे. रिपीट मोड इज द ओनली सक्सेस कोड. सिंपल. सर आपने कहा कि जब सिद्धू पाजी के साथ अगर आप कमेंट्री कर रहे हो तो चांस ही नहीं मिलता बोलने का. मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो सिद्धू पाजी के पास भी वर्ड्स भी रहते हैं. मैंने लास्ट एक वीडियो देखी थी, उसमें यशस्वी जायसवाल का जब आईपीएल में शतक हुआ तो वाइकॉलिक मोमेंट है. आपकी लाइन थी कलम इनकी, स्क्रिप्ट इनकी, बल्ला इनका, शतक इनका, फलक इनका. बिल्कुल सारी नहीं कोई इनका. एग्जैक्टली. तो सिद्धू पाजी बोलते हैं इनके यार सब तो तूने बोल दिया, मैं क्या बोलूं. वो देखिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलने से. एग्जैक्टली राइट. बिल्कुल ठीक है. पहले तो मैं आपकी याददाश्त की दाद देना चाहूंगा. बिल्कुल आपने ठीक कहा. ये तो मुझे भी उतना याद नहीं था. क्या था कि कलम इनकी, स्क्रिप्ट इनकी, बल्ला इनका, शतक इनका, फलक इनका. फलक इनका राइट. सानी नहीं कोई इनका, इनकी बराबरी का कोई नहीं है. कोई इनका. यशस्वी जायसवाल आपको आपके शतक पे मुबारकबाद. और ये कह के जैसे मैंने माइक रखा, सिद्धू पाजी कह रहे ये तो बता पैडी सब कुछ तो तूने बोल दिया, मैं क्या बोलूं. और हंस रहे हैं वो क्लियर है, सभी लोग हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं. वो तो उन्होंने माइक रख दिया कि मैं क्या बोलूं. अच्छा फिर क्या होता है, उनकी सबसे बड़ी ग्रेटनेस है कि वो चिढ़ते नहीं है. ठीक है. उसके बाद जो उन्होंने ओवर खत्म हो गया, फिर ओवर खत्म हो गया तो फिर मुझे ब्रेक में कहते हैं कि कमाल कर दिया तूने यार, क्या मारा टैडी, वो अच्छे शाह राजा शाह बेटा. तो
तो ये उनका, लेकिन उनके साथ बैठ के टाइम इतना ही मिल रहा है आपको। हाँ, शेरी पाजी ये माइक पकड़ ले तो फिर शेरी पाजी बोलते हैं, हम सुनते हैं। सर आप रणजी प्लेयर आप रहे हैं, अपने रणजी प्लेयर जब प्लेयर खेलता तो उससे पहले बहुत टाइम, बहुत सालों तक मेहनत करता तब रणजी तक पहुंच पाता, तो उसमें उसको इतना एक्सपीरियंस, इतना एक्सपोजर मिल जाता कि वो चीजों को एनालाइज करना सीख जाता कि क्या सही है क्या गलत है। आई थिंक आप बेहतर आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इन क्रिकेट एज ऑफ नाउ। देखिए जिंदगी की वही चाल है जो खेल की चाल है, सब बराबर है, सब ये तो नाम अलग अलग होंगे बेसिकली, सब कुछ एक माँ के इतने बच्चे हैं तो क्रिकेट एक जिंदगी का बच्चा है। सर एक एज अ क्रिकेटर अगर मैं पूछना चाहूँ, एक जो एस्पायरिंग क्रिकेटर क्रिकेटर प्लेयर्स हैं उन अगर वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वर्स्ट और क्या बेस्ट थिंग है या जो आने वाले प्लेयर हैं, तो आपके अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्या बेस्ट है क्या वर्स्ट? देखिए बेस्ट तो ये है कि जो हमें पैसे मिलते थे, मुझे याद है आखिरी बार रणजी ट्रॉफी खेलने में 3600 रुपए मिले थे। ओके 2001 में, 2 में 3600 रुपए मिले थे, ठीक है। मैं तो बहुत जल्दी छोड़ गया, मुझे लगा था इंडिया नहीं खेल सकते, छोड़ छाड़ के अलग चलो, है ना। बट ऐसा क्यों नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे लगा कि मैं इंडिया नहीं खेल सकता, इंजरी थी। वो 7 साल क्रीमियर्स वो खा गई, 95 का डेब्यू था, अगला मैच में 2000 में खेला, 2000-2001 में सबसे ज्यादा रन बनाया नॉर्थ जोन में, तो देवधर ट्रॉफी में मेरा नाम आया। वो देवधर ट्रॉफी की टीम आप उठाकर देखिए 2000-2001 की, उसमें सब इंडिया प्लेयर है मेरे सिवा, एक मैं ही इंडिया नहीं खेला, सब इंडिया प्लेयर है, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, विक्रम राठौर, गौतम गंभीर, पूरी लिस्ट आप देखो। एक इंजरी थी वो फिर उभर गई अगले साल, तो एक इंजरी सारे क्रीमियर्स खा गई, तो फिर मुझे पता था कि मैंने छोड़ो कुछ और करेंगे जिंदगी में, ये तो इससे आगे तो जाना है। तो ये डिसाइडेड था कि कमेंट्री करनी है? नहीं, कमेंट्री नहीं, ये कमेंट्री बिल्कुल तब तक आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़े क्रिकेटर वो दूरदर्शन के लिए कॉमेंट्री उन दिनों किया करते थे, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव के नेहरू स्टेडियम में वो अपनी कमेंट्री करने आए। मैं रणजी ट्रॉफी उनकी कप्तानी में खेला भी था एक मैच, तो मैं उनके पास गया, मैं पाजी मेरे को ये मैं भी करूंगा, ये तो मैं भी क्योंकि मैं तो डिबेटर रहा हूँ, स्कूल में अच्छा, कॉलेज में अच्छा नाम, स्टेज गानर आदमी, तो मैंने क्रिकेट के बारे में बात ही करनी, कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे बड़ा डिस्करेज किया, उन्होंने कहा पागल है, ये तो तपस्या है, 4-5 साल लगेंगे तेरे को, तब तो सोचो तू कमेंटेटर बन सकता है, ये नहीं और कोई कर सकता। और जी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट करके भगा दिया, भगा ही दिया लिटरली, मतलब मैं उनके पास बैठा इतनी देर ना, तो उन्होंने चाय पूछी और मुझे भगा दिया। तो मैं एक मन में एक ख्याल लेके गया कि भगवान मुझे इस काबिल जरूर बनाना कि एक दिन ये मुझे फोन करके काम मांगे और मैं इनको काम दू, मैं इनको बोलू कि आपने तो नहीं दिया था, आपको पर मैं काम दूंगा। अब देखो जी ये 2002 की बात है, 2004-05 में नेशन वाइड टैलेंट हंट होता है ESPN पे, ड्रीम जॉब हर्षा की खोज। ओके ठीक है, ड्रीम जॉब हर्षा की खोज में मैं इंडिया के टॉप 4 में आ गया, फाइनल होना सिंगापुर में, सारे राउंड जीत जात के 4 लोगों को सिंगापुर भेजा गया, फाइनल राउंड वहां होगा, टाई हो गया मेरा और आनंद नरसिम्हन का। ओके कि दोनों में विनर कौन होगा, वसीम अकरम की वोट मेरी, हर्षा भोगले की वोट मेरी। मैंने गलती ये कर दी कि पहले 3 राउंड मैं इंग्लिश में कर रहा था, आखिरी 2 राउंड मैंने ये दिखाने के लिए ओके कि जी मैं दोनों भाषा बोल सकता हूं, मैं हिंदी पे आ गया। वो 2 जज गोरे थे, 2 हिंदी अच्छी समझते थे, हर्षा भाई और वसीम भाई। ओके उन्होंने अपनी अपनी वोट मुझे दी, गोरों की वोट आनंद को दी, आनंद इंग्लिश में कर रहे थे, हमारा हो गया टाई। टाई हो गया तो 1 राउंड अलग से उनको क्रिएट करना पड़ा, तो आनंद 1 पेइंट से आनंद विनर हो गया, मैं नंबर 2 आया। तो जर्नी वाले शुरू हुई, तो मैं वो तो विनर को ही ESPN कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था, रनर्स अप को तो नहीं देगा। सिंगापुर से मैं लैंड करता हूँ, अगले दिन दिल्ली, जैसे ही लैंड करता हूँ घर जाता हूँ, घर पे कॉल आता है, जी स्पोर्ट्स के CEO आपसे कल मिलना चाहते हैं। जी स्पोर्ट्स के CEO, मैं अगले दिन जाता हूँ। अब देखो जी बड़ी अजीब विडंबना है, मैं उस समय इनकम टैक्स में कार्यरत था, ठीक है, मैं इंस्पेक्टर था इनकम टैक्स, तो तनख्वाह थी 28,000 रुपए। ईयर किस ईयर की बात कर? 2002, ये 2004 आफ्टर रणजी। हाँ आफ्टर रणजी स्पोर्ट्स कोटे भी नौकरी लगी, तो मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, तो 28,000 रुपए तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह इतनी तो बोलती थी, वो भी बहुत ज्यादा लगती थी।
तो मैंने इंटरव्यू देने जाना है और घर में बैठ गए कि भाई क्या कोट करना चाहिए कि जी मैं कितने पैसे लूंगा। बुलाया तो उन्होंने कुछ तो वो तो सोच के बुलाया। तो मैं, मेरी मम्मी जो है ना उनकी सोच मेरे जैसी है। अच्छा। कि इतना नहीं सोचने का, सोचने का इतना बड़ा सोच, बड़ा सोच भाई साहब डिसीजन टेकर घर के। तो मैंने बोला मैं 70,000 से कम मैं कुछ नहीं लेने वाला। तो मैंने कहा इंटू ढाई गुना तो लूंगा जो करंट ले रहा हूँ उससे। 70,000 रुपए 2004 में। मेरा भाई कहता पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, मम्मी इसको समझाओ और ये वो भगा देंगे, वो इतने कौन देता है, ये देता है वो देता है। मैं भाई उठ के चला गया। मेरी मम्मी मेरे कह रही बेटे 70,000 नहीं, 1,00,000 मांगे। 1,00,000। तो मेरा सीना चौड़ा हो गया जी। मैं बैठा जाके सामने गोरा, मैं बैठ गया ऐसे। अब देखो जिंदगी में कॉन्फिडेंस होना हो, दिखना जरूर चाहिए, ऐसे नहीं है, होना चाहिए बॉडी में। कपिल पाजी ने एक बात हमें कही थी, द लेजेंडरी कपिल देव, वो हमारे कैंप में आए, हम छोटे छोटे थे, तो उन्होंने कहा बेटा क्रिकेटर हो या ना हो, क्रिकेटर लगने जरूर चाहिए, लगो। तो हमने भी देखा भाई लगो, हम जाके बैठ गए, तो नेशनल वाइड टैलेंट हंट के विनर ही हैं, हम जाके बैठ गए, सीना चौड़ा करते हैं, यस सर व्हाट्स इट अबाउट। कह रहे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वी वांट यू टू बी हियर दिस एंड दैट। मैंने कहा सर आई विल नॉट टेक एनीथिंग लेस देन 1,00,000 रुपीज पर मंथ। तो मैंने बॉम्ब फेंका और मैंने देखा जी वो बगल वाली जो एचआर की लड़की थी गीता, तो गीता के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी, गहरी सामने। मैंने गीता को देखा ही नहीं, मैंने कहा ये आंख में आंख मिला के बात कर रहा है इसका। तो मैंने कहा आई कैन जस्टिफाई व्हाई आई एम आस्किंग दिस, आई कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, आई कैन कंडक्ट अ शो, आई एम एन एसेट बिकॉज आई एम अ फॉर्मर क्रिकेटर। और तो गहरी ने कहा गीता प्लीज नोट डाउन, फॉर द फर्स्ट मंथ वी आर गिविंग 90,000 पर मंथ, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स विल मेक इट 1,00,000, इज इट फाइन विद यू? मैं बोला दो इट इज नॉट फाइन बट स्टिल आई रिस्पेक्ट वट एवर यूर ऑफरिंग। तो जी अगर मैं 70 कहता तो मुझे 70 भी नहीं मिलते। तो जिंदगी में अपना अपना मूल्यांकन थोड़ा अच्छा करो। एक मिनरल वाटर ये रखा है ना, दिखा ना जी, जी ये बोतल है, बॉटल है ठीक है, ये नॉर्मल दुकान में जाओगे 5 रुपए, यही बॉटल डिपार्टमेंटल स्टोर में 10 रुपए, यही बॉटल एयरपोर्ट पे 50 रुपए। वहां क्यों नहीं जाते जहां कीमत ज्यादा आती जाती? आप जिंदगी में देखेंगे लोग आपका तिरस्कार करते हैं, आप उनको झेल रहे हो। मैं कहता हूं पहले इंस्टेंस में लात मारो, लात नहीं मारनी, जिससे गुड बाय, मतलब कि आप, मैं आपको ये हक नहीं देता कि आप मेरा तिरस्कार करें, ठीक है? तो मैं जी स्पोर्ट्स में जाके हो गया। अब कहानी कहां शुरू हुई थी, उनसे शुरू हुई थी कि जी क्रिकेटर ने आपको लटा दिया था, डिस्करेज किया था। तो जी मैं 2-3 महीने में मेरे पाँव मन जमा लिए, लोगों को काम बड़ा पसंद आया, ये तो अच्छा है। एफ्रो एशिया कप आ गया क्रिकेट का, जी स्पोर्ट्स के पास एफ्रो एशिया कप, ठीक है। मेरा दोस्त सिद्धार्थ दत्ता और मैं, हम दोनों को जिम्मेदारी मिली कि आप जी कमेंट्री पैनल बनाओ। बात फैल गई कि कमेंट्री जी पे आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब मानो मुझे फोन किसका आता है, बिल्कुल सर मैं तुम्हारी उनका फोन आता है मुझे, वो कहते हैं कि पैडी, हाँ जी पाजी, बेटा अब मैं बेटा तेरे यहां वो हो रहा है तो देख जरा यार, मेरा जरूर कर दिया उसमें, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तूने जो यार नेशनल वाइड टैलेंट हंट जीता है पैडी, तूने तो ये कर दिया वो कर दिया। मैं बोला पाजी आपने तो मेरे को नहीं किया था, ठीक है, पर मैं और किसी का होना हो, कपिल देव का काट दू आपका जरूर होगा, तो मैंने भी उनका जरूर कराया। ओके, तो मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन कि मैंने भगवान से एक चीज मांगी कि इस आदमी ने मेरे को डिस्करेज कर दिया, 2 साल बाद मैं इसको नौकरी दे रहा हूं, चाहे 1 महीने के लिए दे रहा हूं, मैंने, मेरे पास वो पावर है कि लो जी मैंने। तो आप खुद में विश्वास रखेंगे तो वो चीजें होती हैं। एग्जैक्टली सर, राइट। और लोग ये सोचते हैं कि बोलना बड़ा आसान चीज है, बोलना उतना आसान नहीं है, बोलना नॉर्मल बोलना तो आसान है, लेकिन सोने से पहले आप रोज अपने आप से एक सवाल पूछिए, हैव आई इन्वेस्टेड इन माय कम्युनिकेशन स्किल्स टुडे, पूछिए आप रोज कि आज आपने अपने बोलने के अंदाज में या आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें आपने इजाफा किया कि नहीं किया, क्या डाला आपने उस गुल्लक में, रोज कुछ ना कुछ डालिए। एट द एंड ऑफ द डे आप तो, चलो आप और मैं तो इस प्रोफेशन में, ब्रॉडकास्टिंग के प्रोफेशन, कुछ लोग जो ब्रॉडकास्टिंग के प्रोफेशन में नहीं भी हैं, उनको भी आम जिंदगी में, आप चाहे डेट पे जा रहे हैं, आप
इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप रस्ते में किसी से मिल लेते हैं, आप बाई चांस किसी से मेट्रो मिल लेते हैं, यू विल बी जज्ड ऑन द वे यू टॉक. एग्जैक्टली सर, राइट. आप अच्छा बोलेंगे तो वो पर्सनैलिटी है आपकी. आप कैसा दिखते हैं इसमें आपका कोई रोल ही नहीं है. right. उसने आपको ऐसे बना के भेजा है. right. आपने इसके साथ क्या किया वो आपके ऊपर है. आप कैसा बोलते हैं, मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती. ना तेरी शान कम हुई होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता. तो सर, स्टार्टिंग में जब आपने कमेंट्री स्टार्ट की, सो ये जो आपकी वॉइस है इन नेचुरल है या आपने इस पे वर्क किया था कुछ, लाइक इन्वेस्ट किया आपने इसके ऊपर? मैं सिंगर हूं जी, और इसका फायदा मुझे कमेंट्री में बड़ा मिलता है. okay. मैं सिंगर हूं, पहले मेरी आवाज में बेस नहीं होता था. सिंगिंग आप जब क्रिकेटर थे तब से आप कर रहे हैं या फिर? हां, गा रहे थे प्रोफेशनली 2010 से. प्रोफेशनल गा तो हमेशा रहा था, कॉलेज में बड़ा हिट था एज अ सिंगर, तो वो हमेशा से सिंगिंग वॉइस भगवान ने दी थी. फिर सीखना शुरू किया, तो आज 17वां साल है मेरा सीखने का, तो इसका कोई अंत ही नहीं. आप जितना सीखो लगता है कि कम है. सर, थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, एक मैसेज लोगों के लिए कि किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी वॉइस में. हाँ बिल्कुल ठीक है. देखिए, आप रोज रोज 15 मिनट शीशे में देखिए और बात कीजिए. जैसे ये शीशा है और आप खड़े हो जाइए, खुद से सवाल कीजिए, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पदमजीत चरावत, व्हाट डिड आई डू टुडे. जस्ट लुक बैक ऑन योर डे, वेदर यू आर डूइंग इट इन द नाइट और यू आर डूइंग इट इन द मॉर्निंग. इफ यू हैव गॉट अप इन द मॉर्निंग, यू आर लुकिंग इनटू द मिरर, 15 मिनट आपको लगातार बोलने, तो टॉपिक लीजिए, हाउ इज माय डे गोइंग टू बी. सो फ्रॉम हियर ऑन द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू बुक अ कैब. आयान हैज कॉल्ड मी फॉर अ पॉडकास्ट. आई हैव टू रीच देयर एट 8:45 बिकॉज़ द पॉडकास्ट स्टार्ट्स एट 9 o'clock. सो टेक अ टॉपिक, run through the day, take a topic Narendra Modi, take a topic Kapil Dev, take a topic cricket, take a topic podcast, can I be a podcaster, do I have it myself, look into the mirror and talk. Aap 2-3 minute baad aapko lagega ki mere to shabd khatam ho gaye, fir aap phir jud jao. Believe you me, you will develop layers in yourself. Main 15 minute roz sheeshe mein dekh ke aaj bhi baat karta hu. या हिंदी में बोल लूंगा, इंग्लिश बोल लूंगा, किसी दिन अच्छा मूड है दोनों में बोल लूंगा, 15 मिनट हिंदी 15 मिनट इंग्लिश. उससे यह है कि यू विल नॉट बी सर्चिंग फॉर वर्ड्स, क्योंकि आप जिस कॉम्पिटिटिव, मैं जिस जहां पे बैठता हूं वहां पे धुरंधर बैठे हैं, और वो धुरंधर इसलिए है क्योंकि वो आपसे क्रिकेट खेले. राइट. मुझे हरभजन सिंह ने ऑन एयर एक बात कही थी, देखिए उसकी ग्रेटनेस बंदेगी, तो मैंने उनकी बड़ी तारीफ करी. मैंने कहा स्पिन सरताज, मैंने नाम दिया उनको, मैं स्पिन सरताज हमारे साथ आ गए, स्वागत है आपको भज्जी. तो वो मेरे से छोटा है, वैसे तो ऑफ एयर मैं उसको तू ही बोलता हूँ, हम बड़ों को, बड़े तो छोटों को तू ही बोलते, ऑन एयर नहीं आप तू बोल सकते. तो मैंने कहा जी आपका स्वागत, और आपने जो क्रिकेट की सेवा की, ये हमारा सौभाग्य रहा कि आप जो भारत के लिए आपने किया, और आज आपके साथ हम कॉमेंट. कह रहा नहीं 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 पाजी, ना 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 ना, कह रहा ये मेरा सौभाग्य है. इमरान ताहिर बैठे थे. Okay. उन्होंने कहा पाजी मेरा भी सौभाग्य है कि हम आपके साथ कमेंट्री कर रहे हैं. तो ये मेरे हुनर के बारे में नहीं है, हुनर तो चलिए मेरा सबको पता है, किसने ये बात कह दी उन्हें. तो ये हरभजन सिंह की ग्रेटनेस है, क्योंकि व्हेन यू आर विद बिग पीपल दिल मेक यू फील बिग, व्हेन यू आर विद स्मॉल पीपल दिल मेक यू फील स्मॉल. वॉच आउट फॉर द कंपनी यू आर इन. Exactly. अब मेरा मानना है कि मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकता ऐसे. जब तक मेरी वेवलेंथ नहीं मैच करती, मैं खाना उठा के दूसरी उस पे जाके अकेले खा लूंगा. हरभजन सिंह के साथ मैं खाना भी खाता हूं. हरभजन सिंह के साथ मेरे बेस्ट ऑफ एयर कॉमेंट्री मोमेंट्स है, क्योंकि वो दिल का इतना नेक बंदा मैं आपको बता नहीं सकता. तो इन्वेस्ट की बात कर रहे थे ना, तो रोज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक नया वन लाइनर ढूंढिए, अरे पढ़िए. आजकल तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे टाइम में तो लाइब्रेरी में जाना पड़ता था. Exactly. फोन पे सब कुछ है, खुद क्रिएट करोगे एक दिन. आप कबीर जी पढ़िए, आप शेक्सपियर पढ़िए, खूब पढ़िए. जितना पढ़ेंगे और जितना उतना निखारेंगे, तराशेंगे आप अपना. राइट. ठीक है, वापस से क्रिकेट पे आते हैं सर. सो पहले क्या होता था सर, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली, हो सकता है मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, कि जो इंडिया खेलना है अगर किसी को, तो रणजी इज द लाइक मीडियम, कि आपको रणजी खेलना ही पड़ेगा, देन रणजी में परफॉर्म करोगे तभी आप इंडिया खेल सकते हो, इंडिया के लिए खेल सकते हो. तो सर अभी तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, आईपीएल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. तो क्या बिना रणजी के अभी इंडिया खेल सकते हैं, या रणजी अभी भी लाइक उतनी ही खेल सकते हैं?
आप एक आईपीएल का सीजन अच्छा गया, आप खेल सकते हैं, इंडिया खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। कितने लोग, कई कितने एग्जांपल मैं आपको दूं जो कि बिल्कुल इंडिया जी ट्रॉफी खेले ही नहीं थे, आईपीएल की परफॉर्मेंस में चले गए। ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये तो नई बात तो मैं छेड़ी ना, मैं आपको 1989 की बात बताता हूँ। ओके, विवेक राजदान और सलील अंकोला जब इंडिया के लिए खेले और पाकिस्तान गए तो एक भी रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेले थे, वो सीधे एमआरएफ से उठा के उनको डाला गया था। ऐसा बड़ा रेयर होता है, और पहले इंडिया कैप मिलनी बड़ी मुश्किल हुआ करती, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आप 10 साल जब तक रणजी ट्रॉफी नहीं खेले आपको खिलाता नहीं, 10 साल कम से कम देखते थे ना एक्सपीरियंस कितना ही है। आजकल वो नहीं, आजकल चीजें बदल गई, आजकल मॉडर्न एज वांट्स एवरीथिंग इन अ जिफी, सो यू टेंड टू हीरो वर्शिप अ प्लेयर और अ फॉर्मेट व्हिच गिव्स यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो उस चक्कर में आईपीएल को बहुत तवज्जो मिली, और आईपीएल में जो अच्छा करता है वो तुरंत पिक हो जाता है। सर, डिजिटली इन्फ्लुएंस होता है क्या, लाइक सोशल मीडिया का सिलेक्शन को लेकर के? नहीं, परफॉर्मेंस पे सिलेक्टर्स इस बात, बल्कि वो नेगेटिव हो सकता है, आपके बारे में ज्यादा ही लोग पुश कर रहे हैं। अब रिंकू सिंह सेलेक्ट नहीं हुए थे, रिंकू सिंह के लिए कोई ऐसा कमेंटेटर नहीं था जिसने कहा कि रिंकू सिंह नहीं जाना चाहिए T20 वर्ल्ड कप की टीम में, रिंकू सिंह टीम का हिस्सा नहीं थे। अब रिंकू सिंह टीम का हिस्सा नहीं थे उसके कारण खुद रिंकू सिंह है, उस आईपीएल में वर्ल्ड कप की टीम बनने तक उन्होंने रन ही नहीं बनाए, शिवम दुबे रन बना गए। एक तो होता ना कि गर्म हो तो लोहा मारो, हथौड़ा तब मारो, उन्होंने हथौड़ा ठीक टाइम पे मार दिया, तो टाइमिंग का खेल है सारा। सर, एक चीज और पूछनी थी, सिक्योरिटी क्रिकेट में होती है, लाइक अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के लिए तैयार हो रहे हैं, लाइक हम 10-12 साल देते हैं, रणजी खेलते हैं, देन उसके बाद भी हम नहीं खेल पाते आगे, तो उस टाइम पे क्या होता है जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ना तो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ना ही दूसरी स्किल अक्वायर करते हैं, हम किसी दूसरी चीज पर काम नहीं करते, बट अगर क्रिकेट में हम आगे नहीं जा पाए, नहीं खेल पाए, तो उस टाइम मतलब क्या क्या करते हैं वो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो लोग खेल नहीं पाते, जो स्क्वाड में जाकर के भी नहीं खेल पाए इंडिया के लिए कभी? वो बढ़िया सवाल है आपका, और इस सवाल का जवाब यह है कि आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप उस लेवल पे खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, वरना छोड़ दो। ओके, छोड़ दो, क्योंकि ये खेल देता कम है लेता ज्यादा है। बड़ा आसान है पेरेंट्स को ये लगना कि मेरा बच्चा भी आईपीएल, जो बच्चा जैसे ही बच्चे ने बैट उठाया वो सोचेंगे इंडिया खेलेगा मेरा बेटा, कितने इंडिया खेलते हैं जी, तो बहुत तो तबाह भी होते हैं, इस खेल ने बहुतों को तबाह भी किया है, ये फैक्ट है। तो वो कहते हैं ना कि जो एक शॉट आप एक फिल्म में देखते हो बड़ा अच्छा शॉट, उस शॉट के पीछे रीटेक कितने दिए गए थे वो किसी को नहीं पता है ना, कितना, और जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है, ये बच्चे का दायित्व नहीं बनता, ये दायित्व पेरेंट्स का बनता है, क्योंकि बच्चा तो कहेगा मैं तो उसके अंदर से, तो जब तक 20-22 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसको लगेगा ही नहीं कि वो नहीं खेल सकता। 16-17 साल तक आते आते आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना मानदा है, अगर आपको नहीं लग रहा कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो तो छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंत में जाके अगर फिर वो रेलवे की नौकरी के लिए अगर आपने खेल दी वो तो पढ़ाई करके कर लो, और किसी खिलाड़ी को ऑफिसर की नौकरी नहीं मिलती स्पोर्ट्स के, अनलेस के आप इंडिया खेल लिए। सर, एक कुछ हमारी टीम से एक क्वेश्चन निकल के आया था, तो ये क्वेश्चन सर से जरूर करना, संजू सैमसन के फैन है एक, सो उन्होंने बोला कि उनको इतने चांस कम क्यों मिलते हैं, क्या टैलेंट इतना ज्यादा है, हालांकि टैलेंटेड तो वो भी काफी हैं, तो उनको इतना चांस कम क्यों मिलता है, या वो कभी खेल पाएंगे लाइक रेगुलर? और चलिए, मैं भी संजू सैमसन का फैन हूँ। Okay. लेकिन मैं सबसे बड़ा इस बात का फैन हूँ कि भैया जो करे वो भरे, जो करे वो स्क्वाड भरे, ठीक है, जगह अपनी पाए। संजू सैमसन को मौके मिले हैं, ऐसा नहीं संजू सैमसन को मौके नहीं मिले, संजू सैमसन मौकों को भुना नहीं पाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको मौके नहीं मिले। अब इस बात पर देखिए, अगर वो सबसे बड़ी लड़ाई ये नहीं थी कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लड़ाई ये थी कि संजू सैमसन जाएंगे या केएल राहुल जाएंगे। संजू सैमसन और केएल राहुल की तगड़ी टक्कर थी, केएल राहुल मारे प्लेयर नहीं है, केएल राहुल को हटाकर कोई खिलाड़ी अगर वहां पर गया संजू सैमसन की परफॉर्मेंस उनको वहां पर ले गई। तो मेरा मानना है जी कि मौका जब मिलेगा तो चौका तो आपको मारना पड़ेगा थोड़े, क्योंकि कुछों को ज्यादा चांस मिलते हैं, कुछों को कम मिल जाते हैं। संजू थोड़ा अनलकी तो रहा है, लेकिन वो मौके मिले हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेट्स बी फेयर ऑन दिस। ओके सर, अभी आप फ्यूचर बैटिंग सुपरस्टार किसको देख रहे हैं, शुभमन गिल, यशस्वी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन? सबसे बड़ा स्टार जो बनेगा मेरे नजरिए से वो बनेगा यशस्वी जायसवाल, क्योंकि मुझे याद है ईरानी ट्रॉफी का मैच 1.5 साल पहले, ईरानी ट्रॉफी का मैच में कमेंट्री कर रहा था उसमें, तो इसने 200 रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने 200 रन बनाए।
और 200 रन बना के शाम को हम एक ही होटल में रुके हुए थे, टीम भी वही थी, हम भी वही थे, हम उतरे, हमारे पास टीम बसाई, सब अपने अपने रूम में चले गए। इसने रिसेप्शन पे बोला ये मेरा किट बैग यहाँ रखा है, मैं जिम होके आ रहा हूँ तब मैं किट बैग लेके जाऊंगा, प्लीज इसको यहीं रख लो। वो कहते सर हम रूम में पहुंचा देंगे, चिंता मत। वो जिम में गया, दिन में पहली बात तो पूरे दिन में 200 रन अकेले ने बनाए, ठीक है, आदमी थक जाता है, आदमी कहता है मसाज कराऊंगा, वो जिम गया। तो देखिए वो उसमें वो अगन है, क्योंकि उसको पता है ना बेचारे को कि कैसे मिली है मुझे। सर एक प्लेयर और आ रहे हैं अभी, लाइक अभी दिलीप ट्रॉफी में काफी अच्छा स्कोर किया है, जब भी उनको मौका मिला, मुशीर खान काफी अच्छा परफॉर्म किया जब भी उनको मौका मिला, तो क्या फ्यूचर में इस कैटेगरी में वो आ सकते हैं? मोर टैलेंटेड है, बिल्कुल आ सकते हैं, टाइमली रन बनाते हैं, छक्के भी लंबे लंबे मारते हैं, टैलेंट की कतई कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम पे परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। कई बार होता ही है कि आईपीएल के शुरू वाले फेज में आपने रन बना दिए, ठीक है, टीम बननी है अगले महीने में, अगले महीने में आपके रन नहीं बने, वाइस वर्सा केस करके देख लो, एक शुरू में फ्लॉप हो गया लेकिन जब आखिरी आईपीएल के सिलेक्शन के टाइम जो मैचेस हो रहे थे उसमें, तो ये थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो किस्मत का विषय है। पर मेरा मानना है कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी, आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप मेहनत करो आपको ना मिले सवाल ही नहीं पैदा होता। कई दफा ये होता है कि उस फील्ड में ना मिले, उस दिन ना मिले, जिस दिन आप बीज बोते हैं उस दिन फल नहीं उगता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा। और जिसे कोने में बैठ के क्रिप करके रोना है तो भैया रोते रहो और खोते रहो, ठीक है, क्योंकि अगन लगन सनक पागलपन उस हद तक शिद्दत जाएगी तो मंजिल खुद ब खुद तेरे कदमों के नीचे आएगी। ये खेल ही सारा मेहनत का है, और फेलियर से नहीं डरना, कौन नहीं फेल होता यार, फेलियर होता क्या, कुछ नहीं होता। व्हेन यू ट्राई समथिंग ईदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज, हारते वारते नहीं आप, कुछ चीज जब आप करते हैं तो जीतते हैं, आप सीखते हैं, आप हारते नहीं है, ठीक है, और अपने आप को चमकाने में प्रयासरत है, उतना ही इतनी ही जिंदगी है, उतना ही आपके हाथ में है। और मेहनत करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मुड़ के जब आप खुद को देखेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैंने जो करना था कर दिया, आप किस्मत ने नहीं देना तो नहीं दिया, मैं क्या करूं, कोई रिग्रेट आपको नहीं रहेगा, मेहनत करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है। सर व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एस्पायरिंग क्रिकेटर्स who dream for representing their states or even India? मेहनत करो, लग जाओ, समा जाओ, घिसो, तपो, उड़ो, और लग रहा है कि नहीं कर सकते छोड़ दो, पढ़ो, पढ़ के कुछ ना कुछ तो बनी जाओगे, जरूरी नहीं है क्रिकेट खेले कुछ बन जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे ये मेरी जिंदगी है, पर ये ना मेरा पैशन बड़ा इसी उससे शुरू होता है और होना भी चाहिए कि मुझे इंडिया खेलना है। आपको जब लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा नहीं खेल पाएगा, इसे ऐसे में पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, बच्चा 4 साल और बर्बाद कर सकता है, अंडर 16 नहीं खेला वो खेल कहेगा मैं 19 खेल रहा हूं। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि एक मेहनत कितनी करता है। अगर आप नेट्स में करने गए, देखिए फर्क है, आप कहेंगे जी मैं 2 बजे स्टेडियम चला जाता हूं, मैं 7 बजे आता हूं, ठीक है, आप 2 बजे से 7 बजे आए, आप गिन रहे हो कि आपकी मेहनत 5 घंटे है, आपने कितनी देर बैटिंग करी मैं ये पूछता हूं आपसे। नेट में बैटिंग आपको 12 मिनट मिलेगी, 10 मिनट 12 मिनट 14 मिनट मिल जाएगी, 2 नेट में 7 स्पिनर के 7 फास्ट बॉलर के, ऐसे होता ना आजकल, तो आपने 14 ही मिनट मेहनत करी है। उसके बाद अगर आपके कोच आपको पीछे लाइन में खड़ा करा रहे हैं जो खड़े हो गए सिर्फ नेट्स को देख रहे हैं, या आपने 20 कैच पकड़ ली, 100 तो कैच पकड़ो रोज, और कम से कम 40-45 मिनट आपकी बैटिंग रोज होनी चाहिए, तो वो तो मेहनत है। मां बाप तो गिन रहे, मेरा बेटा 2 बजे गया था 7 बजे आया, वो तो 5 घंटे गिन रहे, बच्चा भी कह रहा है मेहनत कितनी जरूरी है। ये मैं पूछ रहा हूं कितनी देर आपने, क्योंकि एक कवर ड्राइव को अच्छा होने के लिए वो 3 लाख बार मारना पड़ेगा, ये कंधा जा रहा है कि नहीं जा रहा, शोल्डर जा रहा है कि नहीं जा रहा, सर तो नहीं झुक रहा, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग के बारे में लोग कहते हैं टेक्निकली वीरेंद्र सहवाग अच्छा नहीं था, वीरेंद्र सहवाग से टेक्निकली साउंड बल्लेबाज आपको मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक 16 साल का था उसके कोच ने उनको निकलने ही नहीं दिया, उन्होंने कहा बेटा 2 चीज पक्की कर ले, एक तो सर नहीं हिलेगा, दूसरा वीरेंद्र सहवाग का शोल्डर एल्बो आप देखोगे
सबसे ज्यादा साइड ऑन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के बाद आपको वीरेंद्र सहवाग नजर आएंगे। साइड ऑन खुलता ही नहीं था यहां से, ये 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 सारा खेल एल्बो का है। पाक ट्रेनिंग कैसी कर रहे हैं आप, सॉलिड। वो बॉटम एंड से तो कट मारता था, ड्राइव मारता था, टॉप एंड से रखता था बैट, टाक एल्बो टाक बॉल जा रही है वहां फेस करना। तो उसकी जब मेहनत थी तो वो उतनी ही करता था जितनी उसको जरूरत हो। अब अलग अलग तरीके हैं, ये तो खिलाड़ियों की हमने बात कर ली कि वो जो बड़ा बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए भाई। सो एक ही सिंपल चीज है, एक चीज को बार बार करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैच से पहले आप तैयारी कैसी करते हैं वो अलग अलग है। दो खिलाड़ियों की बताता हूँ आपको, वीरेंद्र सहवाग गौतम गंभीर दोनों की अलग अलग तैयारियां हैं। वीरेंद्र सहवाग मैच से पहले एक भी बॉल नॉकिंग नहीं करेगा, वो कहेगा मैं अपने जो मंदर रन बनाने वो भार नहीं बनाना चाहता, ठीक है, ये सोच है। गौतम गंभीर के बैट पे जब तक 200 बार बॉल नहीं लगेगी सुबह वो मैच में बैटिंग नहीं करने जाएगा। तो ये सबका अपना अपना है, राइट। ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र सहवाग मेहनती कम है, वो पिछले दिन कर गए जितनी मेहनत उन्होंने करनी थी, मैच के दिन नहीं करना, मैच के दिन। हाँ वो तो जो नॉकिंग ज्यादा करते हैं वो तो डांटते हैं उनको, क्या कर रहे हो अंदर जो रन बनने बाहर बना रहे हो। वो बहुत रियलिस्टिक आदमी और बड़ा हीरा है वो। वीरेंद्र सहवाग के पास दो ही सच है, वीरेंद्र सहवाग के पास दो ही सच है, हाँ या ना, बीच का कुछ नहीं है। आप फोन कर लो उनको, मैं फोन करूंगा वीरू ये है ये ये करेगा, एक सेकंड नहीं लगाता वो। अगर वीरू ने बोल दिया कि हाँ तो चीज डन है। और मुझे नहीं लगता मैं आज तक मैंने उसको कुछ बोला है, देखिए उसकी पीठ सुन दिया वीरेंद्र सहवाग की, मुझे कुछ नहीं आज तक मना हुआ, मुझे कुछ नहीं। मैं उसको कुछ कहता हूं कि मेरी बुक लॉन्च है, जैसे बुक लॉन्च होनी अक्टूबर में, तो मैंने कहा तूने ही रिबन काटना है, कह रहा फिर कैलेंडर निकाल लिया फटाफट, 4, 5, 9, 10 अक्टूबर में ये पहले 10 दिन खा लिए, पता इनमें से कर ले। तो वो चुटकी में लटकाएगा नहीं वो इंसान आपको, और वो बहुत फोकस्ड, और मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव मेट। दो क्रिकेटिंग फील्ड से जो मुझे सबसे अच्छे दोस्त मिले, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह, कोई मुकाबला नहीं है, कोई आसपास आ ही नहीं सकता। So, सर आपकी बुक आने वाली है? हाँ, बुक आने वाली है। सर उसके बारे में बताएं प्लीज कुछ। उड़ान है, उड़ान 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 में 25 ओरिजिनल कविताएं हैं, ओरिजिनल कविताएं 25 और 76 ओरिजिनल कोट है। ओके तो मोटिवेशनल है, 101 पेजेस की है। कब आ रही है सर? ये अक्टूबर में लॉन्च है। ओके हाँ, प्लान कर रहे हैं अक्टूबर का, सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगा। ऑनलाइन ही लोग खरीद सकते हैं? ओके ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हर बुक स्टोर में आपको मिलेगी, अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। उड़ान उड़ान ओके तो उड़ान में कुछ कविताएं एक मैंने लिखी माँ बाप के ऊपर, शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते। मैंने लिखा कि बैंक की ईएमआई चुकानी है चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है, एक माँ बाप भी है जिनकी एक ईएमआई बनती है, दो शब्द प्यार के स्नेह के दुलार में वो देने में कंजूसी लगी रहती है, धूप में बाप तपता है चूल्हे में माँ जलती है तब जाकर औलाद पलती है, एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। माँ माँ के बारे में कहते हैं ना, माँ के बारे में मैंने लिखा कि बच्चा दिक्कत में दिखे तो 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, ज्यादा बोलोगे फोड़ देगी, माँ है वो। तो ये सब आपको उसमें देखने मिलेगा, मेरे ओरिजिनल कोर्स उसमें अच्छे-अच्छे भी हैं। ओके आपकी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ स्टोरी वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मोटिवेशनल ना। लाइफ के बारे में तो देखिए मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी मेरे फेसबुक पेज पे, किसी भी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तो मैं हूं नहीं, मैं हूंगा भी नहीं कभी ट्विटर पे, तो मुझे पसंद नहीं। ओके हां तो कहीं भी आपको मेरे मम्मी के अलावा आपको फैमिली का एक फोटोग्राफ आपको दिखेगा नहीं, आपको मेरी वाइफ कहीं दिखेंगे नहीं, आपको मेरे बच्चे दिखेंगे नहीं, आपको मेरे भैया के बच्चे कहीं दिखेंगे नहीं, मेरी सिस्टर के बच्चे कहीं दिखेंगे। मैं अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे नहीं डालता, आपकी फैमिली आपकी फैमिली, और मैं ज्यादा उनके बारे में बात भी नहीं करता। मैं ये बता सकता हूं कि माय वाइफ व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ शी इज फॉर मी, मैं उस बात पे तवज्जो दे सकता हूं, पर कोई मेरी पर्सनल लाइफ में पूछे कि जी बताइए कैसे मिले कहां मिले तो जी क्यों बताऊं, नहीं। राइट सर, वो नहीं, परिवार है। एग्जैक्टली सर, परिवार के बारे में आप बाकी लोग डिस्कस करते हो, हमारे यहाँ डिस्कस नहीं करते। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं डालते, बिल्कुल नहीं। मेरी वाइफ है वो आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगी, वो इसलिए नहीं कि मैं उनको नहीं चाहता कि वो ना हो, वो खुद ही नहीं होना चाहती,
उनको कोई शौक भी नहीं है उनको. राइट ओके ओके. और मैं तो कभी उनका फोटोग्राफी कहीं नहीं डाला, वो मिलेगा ही नहीं आपको कहीं, बच्चों को भी नहीं दिखेगा आपको. मम्मी के साथ वीडियोस, मम्मी के साथ वीडियोस दिख जाते हैं क्योंकि लोगों की डिमांड आती है कि मैं मम्मी के भी नाम डालूं. तो परिवार थोड़ा सीक्रेट चीज होता है. और सोशल मीडिया में देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये कुछ कानून जरूर लगने चाहिए. अब कोई आप पोस्ट डाल दो, ठीक है, उस पर 10 गालियां कोई देने वाले बैठे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है कि वो उनको गाली बकने के लिए बैठे, ठीक है. और कुछ तो हो सकता है आपके साथ जो काम करते हो बिठा रखे, ये भी होता है. मैं अपने पे तो हंस के टाल देता हूँ, ऐसे कराओ. लेकिन उन लड़कियों का सोचो जो बेचारी पोस्ट डालती हैं और उन पे वो क्या क्या लिख जाते हैं. मैं मुझे सोच के इतनी हैरानी होती है कि वो कोई भी लिख जाता है और ऐसे ही चला जाता है. कोई रोक टोक नहीं है, कोई कानून नहीं है. सर अगर आपको सीईओ बना दिया जाए इंस्टाग्राम का, मैं इनको जेल में बंद करूं. यू हैव नो राइट टू यूज एनी ऑफेंसिव लैंग्वेज टुवर्ड्स एनीबॉडी. वहां माँ बहन की गालियां और पता नहीं क्या क्या. चलिए एक लड़की ने, चलिए एक अपने एक स्विम सूट में फोटो डाल दिया, वो उसकी जिंदगी है निजी. आप भद्दा कमेंट नहीं डाल सकते वहां पे. आप प्रेज कर दीजिए, लुकिंग ब्यूटीफुल चलेगा, जो भी अपशब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. बट सर अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है ना कमेंट और ज्यादा करने का. करने का तो वो सबसे कपिल शर्मा में स्टार्ट हुआ है. हाँ, लोगों ने और ज्यादा स्टार्ट कर दिया. हाँ, बर्थडे कमेंट करने. हाँ, लगे ये वो भी जिम्मेदार है जो ज्यादा आप व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हैं. मुझे तो व्यूअर्स बढ़ाने का भी शौक रहेगा, मुझे ना सब्सक्राइबर बढ़ाने का शौक है. मेरे YouTube चैनल पे चले जाओ, आपको ना मेरे उसमें गाने मिलेंगे, जहां मिलेंगे किसी और के चैनल में मिलेंगे. मेरे 12,000 फॉलोवर होंगे, है ही नहीं, मैं कुछ डालता ही नहीं. टीम बड़ी नाराज रहती है कि सर क्या करते हो आप, ये करते हो. तो मेरी बड़ी क्लास ली गई है रिसेंटली, मुझे डालने पड़ेंगे. हाँ, इंस्टा पे वो पहले मैं था ही नहीं, फिर इंस्टा पे आया, फिर ट्विटर पे तो मैं हूं ही नहीं. ट्विटर पे तो मैं जिंदगी में ना जाऊं. ऐसा क्यों सर? नहीं, क्योंकि क्यों जाना, जिसको देखना आपका काम वो ट्विटर पे थोड़ी जाएगा आपका काम देखना. जिसको आपको देखना आपका काम वो जाके इंस्टा पे देख लेगा, फेसबुक पे देख लेगा, ठीक है. ओके, ट्विटर पे आप लिखोगे 10 जगह वो करोगे. मतलब मैं कोई डिबेट डालने नहीं आया, मेरा आज तक पॉलिटिकल कमेंट कोई नहीं आया होगा. मैं कमेंट ही नहीं करता. मेरा वैसे से काफी आप दूर हैं. नहीं नहीं नहीं, कुछ दूर, मेरे को कोई लेना देना नहीं. मैं डालूंगा अपनी पोस्ट, अपने गाने की डालूंगा, अपनी कमेंट्री की फोटो डाल दूंगा. लोग आजकल रिक्वेस्ट करने लगे हैं तो मैं कमेंट्री क्लिप ज्यादा मैंने बढ़ा दी है, वो मैं डालने लगा. हाँ, बस वही है. उन लोगों के साथ मैं बहस क्यों करूं जिनके जिनसे मुझे वास्ता ही नहीं रखना है. ट्विटर पे आप डालेंगे, लोग फालतू आगे लिखेंगे, आप उनका जवाब दोगे. मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ उलझूं. आप कीचड़ में पत्थर डालोगे तो छींटे तो आप भी पड़ेंगे. बिल्कुल सर. अब आप एक एक आप कह दो एक यू रेसल विद अ पिग, इफ अ पिग वांट्स टू रेसल विद यू, ठीक है, और आप इन्वॉल्व हो गए पिग के साथ. अगर आपने पिग को हरा भी दिया तो घर पे बैठ क्या बताओगे, मैं सुअर को हरा गया हूं, क्या मिलेगा जिंदगी में, क्या मिलेगा. यू हैड एवरीथिंग टू लूज, आप कुछ हासिल कर ही नहीं सकते. right. कोई अगर आपको एक अनहेल्दी डिबेट में ड्रॉ कर रहा है तो आप हाथ जोड़ दीजिए, कह रहे आप जीत गए. क्योंकि इस भाषा में मैं आपको हरा ही नहीं सकता कि आप सभ्यता में आ जाओ मैं वहां हरा दूंगा आपको. इसमें तो आप चैंपियन हो, मैं हाथ जोड़े आप जीत गए. आप जीत गए. हाँ, वहां बात सब खत्म हो खत्म. इतना टाइम नहीं होना चाहिए, वो जाना नहीं वहां कभी. हमने क्रिकेट की बात की कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, और तो उसमें एक ये भी था कि लोगों को छोड़ देना चाहिए. तो क्या साइन होते हैं कि जब प्लेयर को लगे कि हाँ मुझे अब ऐसा लग रहा है अब छोड़ देना चाहिए. जब सिलेक्शन ना हो रहा हो, जब सिलेक्शन हो भी रहा हो तो रन नहीं बन रहे हो, जब आप देख रहे हो कि आप अंडर 19 खेल रहे हो, आप बनाते हो 5 मैच में 100, इंडिया में उठा के देखो 5 मैच में 500 बनाने वाले 20 हैं. कॉम्पिटिशन बहुत अलग लेवल पे चला गया. सर कमेंट्री आईपीएल और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की कमेंट्री, तो कुछ डिफरेंस होता है उसमें या आईपीएल? नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें. डिफरेंस ये होता है T20 क्रिकेट ज्यादा तेजी से चलता है, ओडीआई थोड़ा उससे कम तेजी से चलता है, टेस्ट क्रिकेट थोड़ा और धीमे चलता है. टेस्ट स्टोरी ज्यादा होती है टेस्ट क्रिकेट में बताने को. T20 क्रिकेट में आपको मसाला ज्यादा है, छक्के ज्यादा लगते हैं. छक्के ज्यादा लगते हैं. तो मेरे एक चीज हो रहा है आईपीएल में, एक नया रूल आई थिंक लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ इंपैक्ट प्लेयर का. हाँ. तो उसमें बॉलर की तो सर हालत खराब ही रहती है. सो अकॉर्डिंग टू यू लाइक इज इट गुड के इंपैक्ट प्लेयर वाला जो रूल है सही है वो? नहीं, बॉलर तो नहीं मानेंगे इस बात से, कुछ नहीं होंगे. पर कई दफा बॉलर का इस्तेमाल किया जाता है.
बिल्कुल, कई दफा बॉलर्स भी आते हैं, बैट्समैन नहीं आते इंपैक्ट प्लेयर में, बॉलर्स भी आते हैं, बॉलर्स भी आते हैं, हाँ, तो बॉलर आपके अच्छे हो गए। बट सर बॉलर की तो जाते देखिए वो तो लगती है, वो तो पाटा विकेट है सर, क्या इसीलिए एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए ये रूल डाला गया है या कुछ और भी रीजन है इसका? नहीं, एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए किया गया है कि थोड़ा एक्स फैक्टर आ जाता है। मैं तो मानो ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहने चाहिए। अब प्रो कबड्डी, प्रो कबड्डी शुरू हुई थी, प्रो कबड्डी जब शुरू हुई थी तो मैं आपने उसमें भी कमेंट्री की। हाँ, मैं 10 साल से प्रो कबड्डी कमेंटेटर हूँ, मैं इंग्लिश में करता हूँ प्रो कबड्डी, हाँ हिंदी में तो 4-5 गेम किए होंगे 2014 से। मुझे तो जब इनफैक्ट क्रिकेट से निकाल के स्टार स्पोर्ट्स ने मुझे कबड्डी में डाला, मुझे लगा लाइफ में डिमोशन होगी। ओके, मैं बोला ये क्या हो गया। ओके, ऐसा लगा था कि पीएचडी करने वालों के नर्सरी में पढ़ो, क्योंकि नो डिसरिस्पेक्ट टू कबड्डी, कबड्डी का यार कबड्डी कमेंट्री करूं। आज आप मुझे कह दो कि सर ये आईपीएल कमेंट्री रही, ये पीकेएल प्रो कबड्डी लीग कमेंट्री कौन सी करोगे? एनी डे प्रो कबड्डी लीग। ओके, बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहां का राजा, ओके वहां राजा है, यहाँ आप अच्छे हो, राजा नहीं हो, राजा नहीं हो, यहाँ आपसे बड़े बड़े नाम बैठे हैं। कौन है राजा यहाँ? राजा कौन है? राजा वो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खेल के आया, मैं खेल के आया, कमेंट्री कर रहा हूँ। ओके, वो राजा है। ओके, वो राजा है, हम उनके बाद आते हैं। ये फैक्ट है जिंदगी का, आप कितना भी अच्छा बोल लो उनसे बड़े नहीं बन सकते आप, लोग आपको उनसे ज्यादा प्यार दे देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट जो मिलेगी उनको वो आपको नहीं मिल सकती। मिल सकते, राइट, और वो ठीक भी एक तरीके से, वो लोग बहुत अचीव करके हैं, बहुत अचीव करते हैं, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन प्यार मिलता है कमेंट्री में, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं मिलता, बहुत मिलता है। फेवरेट आपका जो कमेंट्री पार्टनर है? हरभजन सिंह, इसलिए वो बहुत फनी है, आपके दोस्त हैं, आपने उनको गाना गवाया इसलिए? नहीं, हरभजन सिंह को मैंने गाना नहीं गवाया, हरभजन सिंह ने अग्री कर लिया गाना गाने को, ये उनका बड़प्पन है। ओके, लोग इसको दो तरीके से देखते हैं कि मैंने हरभजन सिंह को गाना दे दिया, मैं हरभजन सिंह को गाना देने वाला कोई नहीं हूं, वो अच्छा गाते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, ये उनकी मानता है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो गाना गाएंगे, और हरभजन सिंह मेरा फेवरेट कमेंट्री पार्टनर है, उसके कई कारण। एक अच्छा को कमेंटेटर जो होता है उसमें एक सबसे अच्छा गुण होता है कि बगल वाले ने कोई पंच मारा है, कोई अच्छी वन लाइन मारी है, तो वो उसमें खिलखिलाता है। एक दूसरे भी तरह का कमेंटेटर है, आपने वन लाइनर तगड़ा मार दिया, उसका मुंह सूज जाएगा, यहां नाम नहीं लूंगा मैं आपको, जिनके चेहरे खिलते हैं उनके नाम बता सकता हूं। हरभजन सिंह का चेहरा ऐसे खिल जाता है, वो कहेंगे क्या बात है पाजी, क्या बात है पदम भाई, बहुत अच्छे ये वो कर। तो आप उन लोगों के साथ ही काम ज्यादा करना चाहोगे जो आपको प्यार देते हैं, जो आपकी सराहना करते हैं। सीधी सी बात है ना, आप इस कमरे में दो फूल रख दो, पौधा रख दो, एक इधर रख दो, एक उधर रख दो, या एक दूसरे कमरे में रख दो। इस कमरे में आके आप ना तो हंसने की बात करो ना कुछ करो, आप यहां दो गालियां सुना के और उसको चले जाओ पौधे को, ठीक है? और दूसरे कमरे में आप जाओ, आप रोज ताली बजाओ, हंसी हंसी की बात करो, हैं, उसमें पानी भी डाल दो उसकी तरफ, आप ये देखोगे, और ये फैक्ट है, वो पौधा इस पौधे से जल्दी बड़ा होगा, ये करके देख लो। इस कमरे में आप चिल्लाते रहो, नेगेटिविटी फैलाओ, पौधा उतनी जल्दी बड़ा नहीं होगा जितना कि वो पौधा जहां पर हंसी खुशी का माहौल रहा है, जहां उसकी इज्जत की गई है, जहां उसको प्यार मिला है, पौधा है वो, यानी जो एनवायरमेंट आपके आसपास आसपास होगा, हाँ, आप भी ग्रो करोगे। हाँ, तो हरभजन सिंह मेरे पास अगर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं तो वो मेरी बेस्ट कमेंट्री निकलती है। सर बेस्ट मैच जिसमें आपने कमेंट्री की हो, आपका सबसे बेस्ट? फाइनल आईपीएल? नहीं, इंडिया T20 फाइनल, वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ओके, मतलब वो तो मजा ही कुछ और था यार, मतलब तो हमारे इमोशन से अलग तरीके से जुड़े। एक और मेरा बड़ा खास मोमेंट था जो कि वो बड़ी रील वायरल हुई, अफगानिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ओके ओके, तो बल्कि मैं पिछले दिन उन दिनों क्या था कि एक मैच रात को होता था, एक सुबह होता था, तो मैं रात वाला गेम करके 2 बजे गया था। स्टार स्पोर्ट्स ने कहा सर आप सुबह भी आइए प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आपको आना पड़ेगा। तो मैं गया, 2-3 घंटे सोया, फिर आ गए। मैं कह रहा था क्या है यार, मैं यही होगा, लेकिन अगर मैं वो गेम ना करता मैं कितना खो देता। आईसीसी की ट्रेंडिंग रील्स में 3 कमेंट्री रील्स चल रही थी, तीनों में मेरी ही आवाज। मुझे याद है उस समय मेरे, एक तो मुझे उनसे बड़ी नफरत है जो मैसेज लिख देंगे सर फॉलोवर बढ़ा लो, फॉलोवर मैं कैसे बढ़ा लू फॉलोवर, पैसे देके
मैं इंस्टाग्राम है चैनल ही बंद कर दो अपना। अच्छा ऐसे मैसेज भी आते हैं? हाँ अरे बहुत आते हैं, फोन भी आते हैं कि सर बढ़वा लो ये कर लो, क्यों बढ़वाना है? अगर लोग मुझे इतना ही प्यार दे रहे हैं कि 50,000 है तो 50,000 जेन्युइन तो है। राइट। वो 3 दिन अफगानिस्तान की रील चली है, 3 दिन में वो 51,000 से वो 92 हो गए। तो मैं अगर वहां ना जाता उस दिन तो वो बड़ा अच्छा, वो इंपॉर्टेंट दिन था बड़ा। ओके। वो गेम बड़ा अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। ओके। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया बताया था। सर शायरी और पोएट्री एक ऐसी चीज है जो आपके इमोशन को टच करती है, सो हाउ डू यू फील पोएट्री एड्स अ लेयर ऑफ मोशन टू स्पोर्ट्स कमेंट्री जो कि एक मोर ज्यादा टेक्निकल चीज होती है? देखिए आप लोग ये गलती करते हैं, बाकी कमेंटेटर्स भी ट्राई करते हैं कई बार ये पोएट्री मारने की। पोएट्री बहुत अच्छी चीज है लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि कौन सी पोएट्री मार रहे हो आप। खेल में सिर्फ वीर रस चलेगा, आप प्यार मोहब्बत वाली शायरी यहां नहीं मार सकते। वीर रस चलेगा, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ये चलेगा? वीर रस चलेगा आपका कि जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ये वीर रस है। वीर रस क्या है कि जब तक इसने सोचा ही नहीं कि मैं कांच चुका हूं, बल्ला चल गया गेंद स्टेडियम पार। ये रोहित शर्मा ने यूं करके इसने छक्का मारा था तो मैंने बोला था कि जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, सिद्धू पानी देखा मंत्री में और गुरु कमाल कर दिया गुरु। तो ये क्या मार कविता होनी चाहिए, वन लाइनर्स होने, लेकिन वो वीर रस के होने चाहिए। खेल सिर्फ वीर रस की कविता की इजाजत देता है या इमोशनल इजाजत देता है? ओके। जैसे मैंने एक बार बोला भज्जी बैठे थे, मैंने बोला जिद पर गरड़ जाओगे तो क्या कहना तुम कर जाओगे, तो बड़ा अच्छा लग गया वो। तो कविता होनी चाहिए लेकिन मतलब की होनी चाहिए, मतलब अगर मतलब की नहीं होती तो लोग इतना प्यार नहीं दे रहे होते। सर अब मोटिवेशनल स्पीकर भी है, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मम्मी। मम्मी। दूसरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि मेरा मानना है कि अभी किसी ने मेरा 1% टैलेंट से ज्यादा दिखा ही नहीं। Okay. आप मेरा एक चीज है म्यूजिकल टॉक चला जो मैं करता हूँ, वो म्यूजिकल टॉक चला अभी पॉपुलर उतना हुआ नहीं, जब वो पॉपुलर होगा तब आप देखना। तो वो इंस्पिरेशन है कि बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी तो शुरू हुई है। ओके सर, म्यूजिकल टॉक चला के बारे में ही मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट, उसके बारे में कुछ बताएं। म्यूजिकल टॉक चला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां मैं कुछ कहता हूँ फिर कुछ गाता हूँ। जैसे मैंने अगर कहा कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, फिर मैं गाना गाऊंगा रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही फिर मैं कहता हूं मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करो ये गलत बात है, तिनका तिनका जोड़े जा जो मिला है ओढ़े जा, ऊपर बैठा वो मुंशी रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब, ऊपर वाले को मैंने मुंशी बोला है, ऊपर बैठा वो मुंशी रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब, तू बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा चलता रहे, बस रुकियो ना राह मुड़ेगी डरियो ना, कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग तो परवाह इनकी करियो ना, तिनका तिनका जोड़े जा जो मिला है ओढ़े जा, मेरी खुद की पोएम है ये सुनाया। तो उसके बाद मैं गाना गाऊंगा कि जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है, जो भी मैं कहता हूँ वो स्टेज पे कुछ गाता हूँ। तो 90 मिनट काम करते हैं स्कूल्स के लिए कॉलेजेस के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए। ओके। तो ये बड़ी ये म्यूजिकल टॉक चल रहा है। ओके सर, फ्यूचर में कोई अभी कोई एल्बम या कोई सॉन्ग अभी आने वाला है? बहुत कुछ आने वाला है, बहुत बहुत मसाला है सर। रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपको क्विक आंसर करना होगा। क्रिकेट और कमेंट्री? कमेंट्री। ओके। आईपीएल और प्रो कबड्डी कमेंट्री? प्रो कबड्डी। फेवरेट क्रिकेट मैच यू हैव कमेंटेड ऑन? T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया साउथ अफ्रीका। अ ड्रीम प्लेस टू परफॉर्म योर म्यूजिक? इन द स्टेडियम एट वांखेड़े विद 50,000 पीपल। फेवरेट क्रिकेटर फ्रॉम टुडेज जनरेशन, वन बॉलर एंड वन बैट्समैन? बॉलर बुमराह। नॉट फ्रॉम इंडिया सर, बुमराह और कोहली। नॉट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के नहीं? नहीं। फेवरेट क्रिकेटर बॉलर एंड बैट्समैन? बॉलर राशिद खान। ओके।
बैट्समैन पूरे इंडिया से नहीं ले सकते? नहीं, इंडिया से तो बुमराह और कोहली है। कोहली हो गए, तो बोलर मैंने बोल दिया आपको राशिद खान, अब मैंने आपको बताना बैट्समैन। बैट्समैन तो किस किस उसमें, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई या ओवरऑल सर, जो बेस्ट हो आपकी नजर में कि हाँ ये बेस्ट प्लेयर है, बैट्समैन जबरदस्त। टेस्ट क्रिकेट में जो रूट, वनडे में भी जो रूट, ओके, टी ट्वेंटी में चीजें बदल जाती हैं। ओके, टी ट्वेंटी में आजकल की, आजकल की, आजकल करंट ना, तो टी ट्वेंटी में आंदेगा सर। ओके, अ स्पोर्ट यू लव अदर देन क्रिकेट? कबड्डी। कबड्डी, ओके, बिकॉज ऑफ कमेंट्री? हाँ, प्रो कबड्डी लीग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कभी खेले कबड्डी आप? नहीं खेला नहीं। ओके, कमेंट्री की सर, टीम के लिए अभी की जो आज की जो टीम है इंडियन टीम, उसके लिए एक तगड़ा सा वन लाइनर हो जो वर्ल्ड कप जीत के आई। हाँ, वो मेरा खुद का लिखा हुआ था, वो पॉपुलर भी काफी हुआ। एक लक्ष्य, एक तप, एक जप, विश्व कप। जबरदस्त। वन रूल यू वॉन्ट टू चेंज इन क्रिकेट इफ यू कैन? जी मैं ये चेंज करूंगा कि अगर 100 मीटर से ज्यादा का छक्का लगा है तो वो 7 रन होने चाहिए, अगर 120 मीटर से ज्यादा लगा है तो 8 रन होने चाहिए। बॉलर्स मेरे को मारेंगे, लेकिन मैं वो रूल देखना चाहता हूँ, उससे बड़ा मजा आएगा। रोहित शर्मा ने भी ये बात कही थी एक बार, बॉलर्स मजा आएगा उसके बेचारे। बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। सर कोई कॉमेंट्री का इंसिडेंट बताइए कुछ जबरदस्त। इंटरेस्टिंग सा? यस, इंटरेस्टिंग सा ये था कि एक बार शेरीपा के साथ कमेंट्री कर रहे थे हम, सिंधू पाजी के साथ। ओके, तो शेरीपा लगातार 5 बॉल बोल गए, 5 बॉल उन्होंने कमेंट्री करी, एक बॉल मेरे पास आ गई आखिरी की, तो आखिरी बॉल में चौका लग गया। मैंने कहा कि शेरीपा चौका लग गया, खुल के दीजिए दाद, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। वो कहते गुरु पंच मार गया, पहले ही पंच मार गया गुरु। तो शेरीपा शेरीपा, लेकिन वो जब कमेंट्री में बैठते हैं और जब कमेंट्री में नहीं होते हैं, दो अलग अलग शख्सियत है। ओके, नवजोत सिंह सिद्धू साहब कमेंट्री के दौरान और ऑफ कमेंट्री बिल्कुल अलग है। जब वो कमेंट्री में आ जाते हैं तो उनको लगता है भैया इस जंगल में एक ही शेर, ये बाकी है ना, ये सपोर्टिंग रोल है। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वैसी है। तो लेकिन ऑफ एयर आप उनके साथ बैठोगे, उनकी ग्रेटनेस ये है शेरी साहब की कि वो क्रिटिसिज्म बड़े प्यार से लेते हैं। अब मुझे कोई अगर कहने आएगा ना ये अपनी चीज सुधारो उधारो, मेरा पहला इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि रियली, फिर मैं उसमें बैठ के विचार करूंगा। शेरीपा इज अ वेरी गुड लिस्नर, ओके, नॉट ड्यूरिंग कॉमेंट्री, ऑफ कॉमेंट्री। तो उनके ड्यूरिंग कॉमेंट्री तो बोलने नहीं, ड्यूरिंग कॉमेंट्री नहीं बोलने देंगे वो आपको। ड्यूरिंग कॉमेंट्री तो आपको अगर एक छोटी सी जगह मिली आपको वहीं से घुस के आपको चेपना पड़ेगा, आपका डायलॉग बन गए आप। तो वो शेरी पाए, बड़ा मजा आता है उनके साथ। लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो क्या इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए खेलने के लिए? ये तो सर मैं ठीक नहीं होगा मेरा कॉमेंट करना। ओके, ये तो सरकार डिसाइड करेगी। ओके, मैं मेरा मानना है कि खेल तो खेल ही है, राइट, जाए भी तो क्या है। अगर प्यार ही बढ़ता है तो ठीक है, गलत क्या है? आप हमेशा बोलते हो कि लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग सोचते हैं कि फलाना क्या कहेगा, डिमका क्या कहेगा। यार तुम फलाने डिमके के लिए जिंदगी जीने आए हो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग क्या सोचते हैं इस बात से तो दूर ही रहना। लोग जलने वाले, अरे जलने वालों को और जलाओ, ठीक है। मेरा खुद का लिखा हुआ एक कोट है, मैंने लिखा कि जब तक जिंदगी में जलने वाले ना हो जीने का मजा कहां आता है, मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मुड़वाता है। जिंदगी में जब तक जीने वाले ना हो जीने का मजा कहां आता है, मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। अगली बार आपसे कोई जले तो कहो आहा स्वाहा। तो जलने वाले तो जलने दो। जेलसी इज द होमेज पेड बाय द इंफीरियर टू द सुपीरियर। अगर मैं आपसे जलस हूं तो आपके पास कुछ ऐसी है चीज जो मेरे पास नहीं है, तब मैं आपसे जलस होऊंगा। अगर आप अपने आप में संपूर्ण है ना भी हो, अपने आप से आप संतुष्ट हैं, दैट इज एनफ। तो लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, डोंट गिव अ डैम, इसलिए मैं कहता हूं। किस्मत कितना रोल प्ले करती है आपको क्रिकेट में या किसी भी फील्ड में? देखिए जी, जो कहते हैं किस्मत होती नहीं है वो गलत कहते हैं।
लेकिन मेहनत से कई दफा ये होता है कि आप मंजिल को थोड़ा पास बुला सकते हो। जो देर से लिखी है आपकी सक्सेस, उसे आप प्रीपोन कर सकते हो। यू कैन प्रीपोन योर सक्सेस बाय नॉट पोस्टपोनिंग योर हार्डवर्क। फिर सुनिए, यू कैन प्रीपोन योर सक्सेस इफ यू डोंट पोस्टपोन योर हार्डवर्क। आज का काम आज पर करो, अभी करो, कल पे मत टालो। जिसने कल पे टाला आज का काम है, उसका हुआ काम तमाम है। कल कहां किसी के लिए आया है? जिसने आज का काम आज में किया, उसी ने पलटी का है। इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू डू व्हाट एवर यू नीड टू डू टुडे। कल से शुरू करने वाले का कुछ नहीं होता। इस पर मैंने एक पोएम लिखी थी कि मुड़ मुड़ के देखते थे लोग कभी आपको, मुड़ मुड़ के देखते थे लोग कभी आपको, फिर उन्हीं नजरों को पलटाना है। शर्ट को पैंट में टक करके खुद को खुद से मिलाना है। ये उनके लिए जो एक्सरसाइज नहीं करते, दिक्कत तो देगी है जिंदगी, यही काम है इसका। एक्सरसाइज का लगा लो चस्का। पब्लिक में सांस खींच कर कब तक बात करोगे? ये पेट एक लिमिट तक ही तो अंदर करोगे। चुन चुन के खाइए, वरना नहीं खाओगे तो लाला जी हो जाओगे, जैसे तो ऐसे ही हो जाओगे। ठीक है, जिंदगी रहती है मस्त, और जिंदगी रहती है तररम पम 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 जब आप एक्सरसाइज करते हैं, गुम हो जाते हैं सारे गम। तो एक्सरसाइज कीजिए, काम कीजिए, काम से बड़ा कुछ नहीं है, एफर्ट करिए। सर मैंने एक कोट पढ़ा था, हालांकि टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन किस्मत से रिलेटेड है, कि कहते हैं किस्मत खुदा लिखते हैं, लेकिन उन बच्चों की किस्मत कौन लिखते हैं जिन छोटी छोटी बच्चियों का रेप होते हैं? नहीं, इससे घिनौना तो कार्य ही नहीं हो सकता। इस पे तो आपको मेरा मानना है कि केस की सुनवाई उसी दिन होनी चाहिए, और इसके तो पब्लिक डेथ होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, पब्लिक डेथ होनी चाहिए। इस चीज की तो सुनवाई हो रही है, तो एक दिन सुनवाई होनी चाहिए, उसी दिन केस रफा दफा होना चाहिए। ये तो मतलब मैं हैरान हूँ कि हमारे सिस्टम में थोड़ी तेजी आनी चाहिए। तो इससे घिनौना तो काम ही नहीं हो सकता। सर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, जो कि एक एग्जैक्ट वे नहीं मिलता कि कहाँ जाना है। अलग अलग चीज़ों में ट्राई करते हैं। मैं पहले क्रिकेटर था, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, उसमें भी अच्छा वर्क चल रहा, फिर पॉडकास्ट कर, लाइक मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही मुझे से बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक दिशा उनको मिलती नहीं है। उनको कैसे, मतलब क्या एडवाइस आप उनको देना चाहोगे? देखिए, हर किसी का अलग अलग माइंड सिस्टम है, अलग अलग सेटअप है, आपकी सोच अलग है, आपके अंदर क्या चल रहा है ये आप जानते हैं। मैं आपका हुनर देख के भी नहीं बता सकता, वो डिसीजन आपको ही लेना है। और ऐसे में मैं सबसे पहली चीज कहूंगा, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो, बट इतना भी मत फॉलो करो कि इतने गुम हो जाओ, गायब हो जाओ कि मुड़ने का रास्ता ही ना मिले। आपको रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये एक बहुत आसान चीज कहूंगा, मगर जो सबसे मुश्किल होती है, बैलेंस रहना। और बैलेंस रहना आसान आर्ट नहीं है, वो जिंदगी में तजुर्बे के बाद आपको आती है। मतलब लाइक अगर हमारा पैशन है, हम उसके पीछे काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, बट अगर हमारी किस्मत है ही नहीं वहां जाना, तो क्या हमें टाइम के साथ साथ चीजें चेंज करते रहना? बिल्कुल करते रहना, कर लीजिए, क्योंकि गो विद द फ्लो। आपका जो दिल कह रहा है उसकी सुनो, और पीछे मुड़ के देखोगे तो कम से कम ये तो कहोगे, यार डिसीजन लिए थे, मैंने लिए थे, किसी और पे तो ब्लेम नहीं डालोगे। ठीक है, गलतियां तो होंगी, अगर आप गलतियों से बचना चाहते हो तो भूल जाओ। गलतियों से तो बच ही नहीं सकते, मिस्टेक्स आर द पोर्टल ऑफ डिस्कवरी। कोई नहीं जिसने ठोकर ना खाई। टाटा बिरला रमता जोगी एक कहावत तो सुनी होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। गलतियों से मत घबराओ। कि अमिताभ बच्चन रिजेक्ट हुए थे ऑल इंडिया रेडियो से, राइट, उनको कहा गया था आवाज अच्छी नहीं है। ए भगवान, अमिताभ बच्चन की आवाज अच्छी नहीं, देखो रिजेक्ट होगी, अच्छी बात होगी, वो रेडियो जॉकी बन जाते, खुश हो जाते, एक तनख्वाह आती उसमें खुश रहते, हम एक महानायक खो देते। एवरी एडवर्सिटी कम्स विद अ सिल्वर लाइनिंग, ये बिल्कुल जिंदगी का सबसे बड़ा तथ्य है। जेके रॉलिंग, उनकी किताब थी हैरी पॉटर, 9 महीने जब धक्के खाती रही, हर पब्लिशर ने कहा जी हम नहीं छाप सकते। ठीक है, वो जब लिखने बैठी थी किताब, शी वाज अनएम्प्लॉयड, शी वाज डिवोर्स्ड, शी हैड नो मनी इन द बैंक, बैड लाइफ, रिचेड लाइफ, डिड शी गिव अप? नो। तो जिंदगी में
अपना जो आपका एक फील्ड है जैसे पढ़ाई फील्ड है राइट, वो तो वहां तो आपके पास चारा ही नहीं है ना, वहां तो आपको सब कुछ झोंकना ही पड़ेगा। दिक्कत तब आती है जब आप सोच रहे कौन सी फील्ड में जाऊं। अब ये तो अच्छा हुआ सोशल मीडिया के आने से, कुछ फायदे नहीं है, सोशल मीडिया के नुकसान है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है। देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला है। 2014 में प्रो कबड्डी आई थी, उससे पहले लीग्स ही नहीं होती थी। मतलब एक कमेंट्री होती थी डोमेस्टिक, एक कमेंट्री होती थी इंटरनेशनल, तो कुछ भी नहीं होता। अब प्रो कबड्डी आई तो हर अलग अलग स्पोर्ट की अलग अलग लीग हो गई है, हर क्रिकेट की हर एक स्टेट अपनी एक लीग चलाता है। आप ये देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला। राइट राइट सर, अगर हम बात करते हैं गो विद द फ्लो, लाइक आप पैशन को अपना फॉलो कर रहे हो बट आपकी किस्मत कुछ और है, तो इसका मतलब है कि आपका विजन क्लियर नहीं है, या विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है तभी वहां पहुंच पाएंगे। ऐसा होता ना, मैं एक कोट पढ़ा था, व्हाट वुड बी वर्स देन बीइंग बोर्न ब्लाइंड, लाइक टू हैव साइट विद नो विजन। तो सर विजन क्लियर कैसे होगा, लाइक अगर हम पैशन फॉलो कर रहे हैं बट वहां किस्मत है ही नहीं वहां पर। देखिए जब आप पैशन अपना फॉलो कर रहे हैं और किस्मत आपको अपने आप खींच के ले जाएगी, जहां भी ले जाना होगा, जहां ले जाना वो लेके ही जाएगी आप। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था 2004 से पहले कि मैं कमेंट्री करूंगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इनकम टैक्स की नौकरी लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, मैंने छोड़ी। केजरीवाल साहब ने भी छोड़ी, मैं अकेला नहीं छोड़ने वाला, कुछ लोग नहीं। मैं तो कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरा तो मानना है कि मेरा टैलेंट अभी लोगों ने 1% ही देखा। अभी सर और क्या छुपा हुआ टैलेंट है आपके अंदर? आप शायर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मेरे अच्छे अच्छे गाने आने बाकी हैं। और इससे अलग भी कोई टैलेंट है आपका कि आप और कुछ भी करते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं? क्या क्या आ गया? मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, क्रिकेटर आप हैं, कमेंटेटर आप हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिंगर हैं आप, लिखते भी हैं, म्यूजिक बनाता भी हूँ, म्यूजिक भी बनाते हैं आप, अपने मेरे पार्टनर है कमल जोशी, आपका कमल जोशी और मैं एक साथ करते हैं, हम लोग म्यूजिक बनाते हैं। तो बहुत सा ऐसा म्यूजिक है जो लोगों ने सुना नहीं है। अच्छा, बहुत, हाँ, तो फेम वाइज बहुत कुछ मिलना है, वो भी मिला नहीं है, अभी मिला नहीं, वो मिलेगा। और पॉडकास्ट एक 10 एपिसोड्स की सीरीज मैंने की है, वो मैजिक स्पीक्स करके मैजिक मोमेंट्स ब्रांड है, उनके लिए किया है, मैजिक मोमेंट आई थिंक, हाँ, कोई लिकर, हाँ जी, उनके लिए मैंने 10 एपिसोड्स किए हैं, तो उसमें मेरा वो किरदार है जो आप यहाँ पे निभा रहे हैं। इस तरफ बैठे हैं वीरेंद्र सहवाग, एक में बैठे हैं हरभजन सिंह, बैठे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, बैठे हैं, तो वो भी एक चीज है। सर कोई ख्वाहिश है आपकी किसी बॉलीवुड सिंगर के साथ, फीमेल सिंगर के साथ गाना गाने की? नहीं, फीमेल सिंगर से कोई ख्वाहिश नहीं। मेल सिंगर ना, क्यों गाना किसी के साथ, हम खुद गाएंगे, डुएट थोड़ी गाने। ओके, हम गवाएंगे लोगों से। अच्छा, हम म्यूजिक कंपोजर हैं, मैं और कमल भाई, कमल जोशी, हम गवाएंगे लोगों से, अपनी कंपोजिशन गवाएंगे। किससे गवाना चाहते हो? अरिजीत से गवाएंगे, अरिजीत, जबरदस्त। और फीमेल अगर गवाना हो तो सुमिति चौहान से पहली चॉइस वो होंगी, लेकिन साथ गाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, हमारे ना अपना ये नहीं है कि हमें एक्स वाई जेड के साथ गाना गाना, कोई शौक नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मैं स्टेज पे भी नहीं गाता। मेरा आप लाइव कॉन्सर्ट सुन लीजिए 1.5 घंटे का, वहां अगर मैं गाऊंगा तो मैं ही गाऊंगा वहां पे, क्योंकि फीमेल सिंगर आएंगे उनका अलग स्केल है, मेरा अलग है। राइट राइट, मैं अगर 1.5 घंटे कॉन्सर्ट में गा दूंगा तो हम 200 गाने छू लेते हैं, क्योंकि मेडलिस्ट गाते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब कोई और सिंगर भी आ गया, वो बेचारा अपने हिसाब से गाएगा, तालमेल कैसे बैठेगा। राइट, तो उस जंगल में एक ही शेर, एक ही शेर, और प्रैक्टिकल पर्पसेस से, वहां ईगो नहीं है, वहां ये है कि क्योंकि शो अगर हिट करना है मुझे, मैं देख के बता दूंगा ये क्या सुनने आया। ओके, तो मैं वो गाऊंगा, मैं घर से प्यार करके जो है जरूरी नहीं है वो उनको पसंद आए, तो फटाफट आपको चेंज भी करने पड़ेंगे गाने। राइट राइट, अगर वो नाचने आए तो आप गजल थोड़ी सुना दोगे। Exactly. भाई तो केटरिंग बिजनेस है ना, मुझे पीनी है चाय, आप पिला दो कॉफी, तो पसंद थोड़ी है। चाय कहूंगा तो चाय तो मैं कहूंगा, चाय तो पिला दे यार, आया तूने पिलाई इतनी अच्छी चाय पिलाई, बट लेट मी से दिस, यू हैव अ वेरी गुड प्रेजेंटिंग स्टाइल, कीप इट अप एंड कीप वर्किंग हार्ड। और मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है, मैं आप पे चिप देता हूँ, डियर आयान, ये गगन छोटा पड़ जाए आपकी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए आपकी महक ऐसी हो, सबसे जुदा सबसे अलग आपकी पहचान हो, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके शो के फॉलोअर्स, अरे फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर करो लोगों को, भाई का चैनल हिट करो। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट, एक शायरी हो जाए जो आपकी बुक आने वाली है, बुक में से, बुक से आपकी एक शायरी हो जाए। मैं वो सुनाता हूँ जो गौतम गंभीर की बड़ी फेवरेट है, वो मुझसे कब सुन चुके हैं बहुत बार, जब भी बैठते हैं कॉमेंट नहीं कर रहे होते तो वो कहते हैं पहली भाई वो सुना, डर वाली। तो मैंने लिखा, डरपोक है डर तू बनने डर, कि डर ही डरपोक है, तुम क्या डर रहे हो उससे,
डरपोक है डर तो बन निडर, ना इधर ना उधर, आंख में झांक के खूब खींच ताक के तू दिखा अपना असर, घूर के देख ले ये भाग जाएगा, जितना डरेगा उतना डराएगा, एक कदम ठोस सा भरा तेरे जोश से, तू बन के बॉस सा अब लेके देख ले, देख कर तेरा दम खींच लेगा कदम, डर चुपचाप से क्योंकि डरपोक है डर तो बन निडर, आईने में देख डर जो तेरे अंदर बैठा इसको तू बाहर फेंक। याद है वो जब तू स्कूल जाता था, वो एक बड़ा सा लड़का था, तुझे बहुत भगाता था, तू डर डर के स्कूल जाता था, एक दिन तेरे में हौसला आया, तू जोर से चिल्लाया और उसके बाद वो बुली कहीं नजर ना आया। द बेस्ट वे टू बीट द बुली इज टू स्केयर हिम इन द फेस एंड टू येल हिम इन द फेस, डरपोक है डर तो बन निडर। तो ये तो 25 पोयम है, 76 ओरिजिनल कोट्स हैं, 101 पेज की बुक है, तो उड़ान लोगों को पसंद आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह सर बिल्कुल पसंद आएगी लोगों, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बहुत खुशी हुई कि सर आप आए, इट्स एन ऑनर फॉर अस, के बहुत उम्मीद थी कि मुझे लगता भी नहीं था कि सर आएंगे या रिप्लाई भी करेंगे, बट सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। नहीं, हम स्कूल से आते हैं कि जाए एक बार हाँ भर दो तो भर दो, एक कदम ले लिया तो ले लिया, एंड आई एम हैप्पी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो and wish you all the best.